सागर देवरी से हमारे संवाददाता त्रिवेंद्रम जाट की रिपोर्ट। पुलिस ने निकाली नशा मुक्ति जन चेतना रैली देवरी कला। पुलिस बलबा एनसीसी के कैडेट्स नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ नशा मुक्ति जन चेतना रैली निकालकर आमजन को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। थाना परिसर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मुख्य मार्गों से होते हुए नगर पालिका चौराहा बस स्टैंड से होते हुए पुलिस थाना पर समापन हुई। नशा मुक्ति रैली में बारिश का सामना भी करना पड़ा। तेज बारिश के चलते नशा मुक्ति रैली निकाली गई। हाथों में नशा मुक्ति की तख्तियां लेकर सभी लोग चल रहे थे। युवाओं को नशे का त्याग कर शारीरिक मानसिक तौर पर मजबूत रहने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि चिंता का विषय है कि नशा एक भयंकर नशा अपराध की दुनिया की पहली सीढ़ी है। नशा करने के बाद भी वह किसी संगीन से संगीन अपराध को करने के लिए अग्रसर होता है, इसलिए नशे से दूर रहे। वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू किसी भी रूप में या पाउच हो उससे दूर रहे और स्वस्थ रहे, नशे को ना चुने, जिंदगी को चुने। देवास से हमारे जीवन पंचाल की रिपोर्ट, साथ में कैमरामैन राकेश निगम की। नाबालिग को परेशान करने वाला गिरफ्तार, पास्को एक्ट में मामला दर्ज। देवास शहर में बच्चियों से छेड़छाड़ और परेशान करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में निवाड़ नगर में एक नाबालिग बच्ची की नेपाल सिंह नाम के युवक ने पिछले 4 महीने से परेशान कर रहा था। हद तो तब हुई जब उस नाबालिग ने उसका मोबाइल नंबर मांगा, जब इनकार किया तो उसके साथ बदसलूकी की और उसे जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर नाबालिग ने यह बात अपने परिजनों को बताई और सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लड़के के खिलाफ पास्को एक्ट की धारा 7-8 और भारतीय दंड विधान की 354, 223, 294 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे हिरासत में लिया। संवाददाता जीवन पंचाल के साथ कैमरामैन राकेश निगम की रिपोर्ट। कल जो है जयसिंह नाम के लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है कि वो अक्सर उसको आते जाते रास्ते परेशान करता था, उससे मोबाइल नंबर मांगता था और लड़की ने उसको मना भी किया था, तो उसने जो है लड़की के साथ रास्ते में दुर्व्यवहार किया। इस पर जो पीड़िता है उसकी रिपोर्ट पर जो है आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है पास्को एक्ट का व 354 IPC के अंतर्गत, और जो है अभी उसके प्रकरण रजिस्टर किया गया है। चिचोली से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। बारिश का दौर जारी है, ऐसे बारिश में नदी नाले उफान पर हैं। लोग बाग अपनी जान से खिलवाड़ कर बाइकों पर निकलते हैं और पुल के ऊपर पानी रहता है। प्रशासन जिम्मेदार है पर प्रशासन में कोई अधिकारी मौके पर नहीं होता। बाइक चालक ने उफनती नदी को पार करने का किया प्रयास, रपट्टे के बीच फिसल कर गिरा बाइक चालक। लोगों ने बचाई बाइक चालक की जान। मुलतई थाना क्षेत्र के शांडिया गांव की घटना है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन के दावा हवा हवाई साबित हुए और ऐसे में ना तो शासन प्रशासन का कोई मौजूद था वहां पर जिस समय ये बाइक डाली जा रही थी। आप वीडियो देखिए। अरे गाड़ी खड़ी कर लो, आना तेरी गाड़ी के साथ। मोबाइल नहीं, मोबाइल सर नहीं दूध था क्या उसमें? दूध दे के आया, दूध पी गया था पूरा। हाँ मैं मना कर रहा हूँ।